आज है 15 अप्रैल 2020। आप देख रहे हैं पिताजी न्यूज की खास पेशकश कोरोना बुलेटिन। इंडिया के आंकड़ों की बात करें तो 11,511 टोटल केस हो चुके हैं, जिनमें 394 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 2,684, दिल्ली में 1,561, तमिलनाडु में 1,204, राजस्थान में 1,005, मध्य प्रदेश में 741, उत्तर प्रदेश में 660 मरीज देखने को मिले हैं। विश्व की अगर बात करें तो 20,728 केस विश्वभर में हो चुके हैं, 1,26,776 लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका की बात करें तो 6,13,886 टोटल केस हैं और अमेरिका में 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी, कार्यस्थलों पर मास्क अनिवार्य किया गया है, थूकना दंडनीय होगा। सरकार ने 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया है। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर भी रोक होनी चाहिए, साथ ही 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। आइए खबरें बढ़ते हैं। अपने पहले COVID-19 मरीज के संपर्क में आए 2,000 लोगों को 18 घंटे में ढूंढा, मेघालय के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मंगलवार को बताया कि राज्य के पहले कोरोना मरीज शख्स के संपर्क में 2,000 लोगों को 18 घंटे में ट्रेस किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से लगता है कि संक्रमित शख्स के एक रिश्तेदार संक्रमित देशों से होकर लौटे थे, वह क्वारंटाइन अवधि से पहले ही शिलोंग आ गए थे। आगे खबर दौड़ते हैं। अफवाह थी कि मजदूरों के लिए ट्रेनें चलेंगी, बांद्रा मामले पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने बात कही है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा होने को लेकर पुलिस ने 1,000 प्रवासी मजदूरों के खिलाफ FIR दर्ज की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख ने बताया कि मैंने उन अफवाहों की जांच के आदेश दिए हैं जिनमें यह दावा किया गया था कि प्रवासियों के लिए उनके घर जाने के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। आई खबरें दौड़ते हैं। विशेष ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं है, गलत खबरें ना फैलने दें, रेलवे ने बात कही है। मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के इकट्ठा होने के बाद भारतीय रेलवे ने कहा कि यात्रियों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं है। रेलवे ने कहा कि सभी लोग इसका संज्ञान लें और किसी भी तरह की गलत भ्रामक खबर को फैलने न दें। आगे खबर दौड़ते हैं। कम से कम 12 महीने में COVID-19 की दवा देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, WHO ने बात कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने मंगलवार को कहा कि हमें कम से कम 12 महीने तक वो कोरोना वायरस की दवा देखने को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर हैरिस ने कहा कि दुनिया भर में कुल मामलों में से 90% यूरोप और अमेरिका से आए हैं, इसलिए साफ तौर पर हम अब इसका चरम नहीं देख रहे हैं। आई खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात में कांग्रेस विधायक का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव, CM से मुलाकात की खबर। गुजरात के जमालपुर खाड़िया से कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। बतौर रिपोर्ट, मंगलवार सुबह कोरोना वायरस टेस्ट कराने के लिए खेड़ावाला मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी CM नितिन पटेल से मिलने गए थे। वहीं गुजरात में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 650 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आगे खबर दौड़ते हैं। वह कुत्तों के लिए कर रहा था सड़क पर बिखरे दूध को इकट्ठा करते शख्स की वीडियो पर पुलिस ने बात कही है। आगरा UP खबर है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लॉकडाउन के दौरान सड़क पर बिखरे दूध को शख्स इकट्ठा कर रहा है और उसी दूध को आवारा कुत्ते पी रहे हैं। एतमादुल्ला थाने के SHO उदयवीर मलिक ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता शख्स आवारा कुत्तों के लिए दूध इकट्ठा कर रहा था। आगे खबर दौड़ते हैं। लॉकडाउन का मतलब लॉकअप नहीं, आप मेरे राज्य में सुरक्षित, प्रवासी मजदूरों से CM उद्धव ठाकरे ने बात कही है। बांद्रा महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठी होने को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उनको लगा कि 14 अप्रैल से ट्रेन शुरू होगी और वे वापस अपने घर जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मतलब लॉकअप नहीं है, यह आप अपना देश है, आप मेरे राज्य में सुरक्षित हैं।
आए हुए दौड़ते हैं घर पहुंचाने की बात को लेकर किसी के चक्कर में ना आए प्रवासी मजदूरों से केजरीवाल ने बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अफवाह पर भरोसा न करने की अपील करते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप लोग 3 मई तक रुक जाइए। उन्होंने कहा कि घर पहुंचाने की बात को लेकर किसी के चक्कर में ना आ जाना, कहीं कोई बसें नहीं चल रही हैं। आई खबर की दबड़ते हैं, लॉकडाउन में फेक न्यूज फैला रहे 12 टिकटॉक, 7 फेसबुक अकाउंट किए गए ब्लॉक। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बात कही है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में राज्य भर में 17,585 FIR दर्ज हुई हैं, 22,632 वाहनों को जब्त किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि फेक न्यूज पर कार्रवाई के तहत 12 टिकटॉक, 7 फेसबुक और 2 ट्विटर के साथ 1 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किया गया है। फिलहाल आपका वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद।